गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं आप लोगों को हमारे यहाँ का वेदर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो अभी तूफान आने वाला है ना याश, आप लोगों ने सुना ही होगा। बालकनी में मैं हूँ, पूरा बालकनी हमारा पैक है, ग्रिल लगा हुआ है, तो वही दिखा रही हूँ कि इतनी तेज़ हवा चल रही है सुबह सुबह की ही टाइम पर। और ये निशान चढ़ाते हैं ना हम लोग नवरात्रियों में, जो बजरंगबली का झंडा लगाते हैं वही है, हम लोग चढ़ाकर और बांधे हुए हैं। हमारे मतलब सब बांधते ही हैं, अपने अपने घरों में लगाते हैं, छतों पर लगाते हैं। तो छत पर तो नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है हमारा, तो उस ये कंपनी प्रोवाइडेड हाउस है, तो बालकनी में ही हमने लगा दिया है। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से उड़ रहा है, देखिए बजरंगबली को यहाँ पर कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना। तो ये एकदम सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह 6:30 7 करीब ऐसे हो रहे हैं। और देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने घने बादल आ गए हैं, इससे पहले इतनी गर्मी थी ना, उसके बाद आ गए हैं। और ये सुबह सुबह ही है, ये मैंने सब्जी चढ़ाई हुई थी और जाकर फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि लगा कि मैं कर दूँ। तो ये इतनी सुबह सुबह मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि इसका रीज़न है, ये भिंडी की भुजिया है। मतलब भिंडी सिंपल फ्राई करते हैं प्याज और मिर्च, हरी मिर्च मेथी वगैरह डालकर, तो बहुत ही सिंपल ये भुजिया बना रही हूँ। इसके बाद मैं बैग बनाऊँगी बैगन और कोरौड़ी की सब्ज़ी। कोरौड़ी मतलब समझते हैं ना आप लोग, अदौरी जिसे बोलते हैं। तो ये उसे मैंने फ्राई करके यहाँ रखा हुआ है, उसे मैं मुझे बनाना है। तो बहुत थोड़ा बैगन, ज़्यादा नहीं, थोड़े बैगन, थोड़ा 2-4 आलू, ये देखिए ये भी मैंने काट कर रखा हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ी ही सब्ज़ी, थोड़ी थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी, ये ज़्यादा लोग तो है नहीं। तो ये भुजिया ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, तो इसी कढ़ाई को फिर मैं खाली कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये बैगन, आप जो मैंने काट के रखा था ना, बस उसे बस मेथी के साथ और हरी मिर्च के साथ इसे छौंक लगा दिया और इसे फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो आप दिखाती हूँ मैं आगे कि बहुत अच्छे से जब ये फ्राई हो जाता है, ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बनती है, बहुत अच्छी भी बनती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, और ये 2 बड़े बड़े टमाटर थे। उसके बाद टमाटर डालने के बाद सीधे मैं डाल रही हूँ नमक, नमक के मैं डाल रही हूँ हल्दी। ये बहुत ही सादी सब्ज़ी होती है, तो ये रीज़न है मैं प्लेन सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ इसका, तो कभी बता दूँगी। और बहुत थोड़ा सा रेगुलर सब्ज़ी मसाला मैंने डाला, आपने देखा ना, छोटे चम्मच से भी, हाफ चम्मच से भी कम है। और ये डाल कर फिर मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना, तो ये जब बरिया में डालेंगे ना, इन बरियों को मतलब फुलाने के लिए, सोख करने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना होता है, तो वही फिर मैं डालूँगी। तो ये देखिए अच्छे से जब ये टमाटर गल गए, मसाला भी भुन गया अच्छे से, तो फिर थोड़ा पानी मैंने डाल दिया। पानी अच्छे से डाल देना है क्योंकि इसमें बरियों को फुलाना है, तो बरियों को फुलाना है इसलिए पानी थोड़ा अच्छे से डालकर, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि आँच को बिल्कुल ही तेज करके, और तेज करने के बाद जो बरियों को फ्राई करके रखा होता है, ये डीप फ्राइड बरिया हैं, उसे अच्छे से डाल देंगे। और डालकर ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से बनती, पर इतनी टेस्टी लगती है ना ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मैंने कवर कर दिया, और कवर करने के बाद तेज़ आंच पर मैंने इसे छोड़ दिया। 15 मिनट तक मैंने इसे देखा भी नहीं, 15 मिनट के बाद जब देखिए तो सारा पानी सोख कर लिया है इन बड़ियों ने, और उसके बाद एकदम ही फुलकर नरम सी हो गई हैं। ये बढ़िया काफ़ी टेस्टी लगती हैं। पहले मैं तो ये सब खाया नहीं करती थी, पर धीरे धीरे खाने लगी, मतलब शादी के बाद से मुझे सब कुछ ही अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर ये देखिए स्पैचुला से ही अच्छे से बड़ियों को मिक्स करके, सब्ज़ी को मिक्स करके इस तरह से थोड़ी सी हल्की रस्सेदार सी सब्ज़ियाँ, मतलब लटपट सी सब्ज़ी बोलते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में, बस उसमें पानी बिल्कुल रहता नहीं है, उसके बाद फ्राई करके बस सब्ज़ी रेडी है। तो उसके बाद फिर ये सब्ज़ी हो गई थी, फिर मैंने रोटियां बना ली थी, फिर दाल वगैरह ये सब बना लिया था मैंने। और ये ना कल 26 तारीख की थी जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अभी ये जो क्लिपिंग शुरू हुई है कि ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये ना 19 मई की है, ये 19 मई की है क्योंकि मैं ना उस दिन वैक्सीन लेने जा रही थी, कोविड का फर्स्ट डोज वैक्सीन, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैं फर्स्ट डोज
क्या हुआ था ना, वैक्सीन लेने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसी दिन शाम से ही मुझे फ़ीवर है, सभी को हल्का फ़ीवर आता है पर मुझे ना बहुत फ़ीवर हो गया था 3 दिनों तक। सभी को एक दिन के लिए फ़ीवर आता है, हल्का फ़ीवर आता है, पर मुझे 3 दिनों तक काफ़ी फ़ीवर था। और उसका रीज़न था, डॉक्टर को जब हमने पूछा फ़ोन करके तो उन्होंने बोला कि आप मतलब वीक है ना बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं वीक हूँ, थोड़ी वीकनेस मुझे ज़्यादा रहती है तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब रिएक्शन कर गया। और ये देखिए, यहाँ तो बाहर का मैंने ले लिया क्लिप, पर अंदर जाते ही जैसे यहाँ सिक्योरिटी कैंप लगा हुआ है ना, तो ऑडिटोरियम में हम लोग इन करने के लिए जब गेट के अंदर घुसे हैं तो हमारे मतलब हमें मना कर दिया गया कि कैमरा नहीं ऑन करना है, फ़ोटोज़ वीडियो नहीं लेने हैं। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा करा, मुझे नहीं पता, बट फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ बस सिक्योरिटी जैसे दिखाना आप लोगों को, बस उसके बाद से ही हम लोगों को मना कर दिया गया था। तो फिर नहीं ले पाई थी मैं कि वैक्सीन कैसे लग रहा है, मुझे कैसे नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने छुप छुपा कर थोड़ा सा ऑडिटोरियम के अंदर का लिया है। तो वीकनेस के बाद, मुझे फ़ीवर के बाद इतनी वीकनेस हो गई थी ना कि मैं मतलब 19 को लगा मुझे और 22 के तक तो मुझे फ़ीवर ही था। 23 की मॉर्निंग से फ़ीवर आना शुरू बंद हो गया था, मॉर्निंग से फ़ीवर नहीं आ रहा था, पर वीकनेस इतनी थी कि मैं चाह के भी नहीं ले पा रही थी। तो ये देखिए अंदर का मैं दिखा रही हूँ, हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं और ये बहुत दूर वाइट वाइट जो दिखा ना वहीं पर वैक्सीन लग रहा था। तो ये सॉरी बहुत थोड़ा सा है क्योंकि वहाँ मना था। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।